अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ वैस राजपूत एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी A23e के बारे में। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड हो अब तक नोटिफिकेशन जो है वो हमारा पहुँच सके। जैसे कि आपको पता है कि हम जो भी हमारी वीडियोज़ होती है वो मोबाइल के रिलेटेड होती है या टेक के रिलेटेड होती है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर जो सैमसंग गैलेक्सी का मोबाइल अभी न्यू आया नहीं है लेकिन मार्केट में आने वाला है, कंपनी इसको लॉन्च करने वाली है। तो अगर आपने कोई भी मोबाइल परचेज करना है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि जैसे कोई न्यू मोबाइल फ़ोन आ चुका है तो आप उसकी मार्केट में वैल्यू चेक कर लें, आप उसके स्पेसिफिकेशन चेक कर लीजिए, तब उसके बाद अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर लिए। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी A23e प्राइस इन पाकिस्तान। सबसे पहले आपको बताते चलिए, इस वक्त इसमें जो मार्केट में तो अभी तक नहीं आया लेकिन इसमें जो प्राइस अभी एक्सपेक्टेड प्राइस दी गई है वो 50 से 55 हज़ार के लगभग दी गई है जी। तो प्राइस अगर आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं अभी तक कि प्राइस 50 से 55 हज़ार है तो आपके माइंड में डेफिनेटली ये चीज़ जा रही होगी कि प्राइस 55 हज़ार पे है, 50 से 55 हज़ार तो ये फ्लैगशिप डिवाइस होने वाली है। तो नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आपको वीडियो में आगे बताते चलेंगे ये फ्लैगशिप डिवाइस नहीं है क्योंकि इस वक्त रेट्स बहुत ज़्यादा अप हो रहे हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं एंड्रॉयड उसमें 12 दिया गया है और प्राइस और एंड्रॉयड का अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा कि एंड्रॉयड 12 है। इसके बाद आ जाते हैं इसकी साइज़ पे, साइज़ इसका इस वक्त दिया गया है 5.8 इसका बताया जा रहा है कंपनी की तरफ से, जो कंपनी क्लेम कर रही है 5.8 मतलब जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं उसमें से ये मोबाइल फ़ोन थोड़ा सा बारीक है, मतलब जितने इसका डिस्प्ले ज़्यादा नहीं है। 6.5 आम मोबाइल में उसका आ रहा है इसका, लेकिन 5.8 इसका डिस्प्ले आ रहा है। उसके बाद आपको बताते चले कि ये डुअल सिम को सपोर्ट करता है, उसके बाद नैनो सिम जो है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं और मेमोरी कार्ड आपको बताते हैं हम यहाँ पर। मेमोरी कार्ड ये जो है 1 TB तक सैमसंग गैलेक्सी A23 जो है वो सपोर्ट करेगा। उसके अलावा यहाँ पर आ जाती है एक मेन चीज़ जो सबसे बड़ा यहाँ पर फोकस है लोगों का या आपका या मेरा, जितने भी ऑडियंस इस वक्त देख रही है उसका फोकस ये होगा कि इसकी 50 से 55 हज़ार रुपये प्राइस है तो इसकी रैम कितनी होगी, इसकी मेमोरी कितनी होगी। तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, यहाँ पर इसकी रैम जो कंपनी एक्सपेक्टेड जो प्राइस के साथ दी गई है वो यहाँ पर सिर्फ 4 GB रैम दी गई है, वो भी 50 से 55 हज़ार रुपये का मोबाइल सैमसंग जो है उसके साथ 4 GB रैम दी गई है। और मेमोरी यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि 128 GB होगी, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, यहाँ पर दी गई है इसकी रैम जस्ट 64 GB स्टोरेज इस मोबाइल की दी गई है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है, 4 GB 64 GB मेमोरी इसकी दी गई है। कलर पे आ जाते हैं, कलर इसमें वाइट कलर दिया गया है, सेकंड जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर वो दिया गया है ब्लैक, और जो उसके बाद थर्ड ऑप्शन है वो इसमें सैमसंग गैलेक्सी में दिया गया है ब्लू कलर दिया गया है, मतलब 3 कलर इसमें दिए गए हैं, वाइट, ब्लैक एंड ब्लू। उसके बाद आ जाते हैं हम इसकी जो सिक्योरिटी है फिंगरप्रिंट उसकी तरफ आपको बताते चले कि यहाँ पर जो इसका फिंगरप्रिंट है मोस्टली मोबाइल के अंदर इन डिस्प्ले होता है, बैक फिंगर होता है, लेकिन यहाँ पर आपको बताते चले इसका फिंगरप्रिंट जो है वो साइड माउंटेड इसका फिंगरप्रिंट दिया गया है। उसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास सेटअप है, आपको पता होना चाहिए कि आपका मोबाइल जो है मल्टी टच स्क्रीन है, इसकी सेफ्टी के लिए कौन सा फीचर दिया गया है। यहाँ पर आपको बताते चले कि इसका जो फ्रंट ग्लास है वो गोरिल्ला ग्लास दिया गया है, कंपनी की तरफ ये जो क्लेम कर रही है इसके वजह से आपको बता चले कि गोरिल्ला ग्लास इसमें आपको दिया गया है आपके मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने के लिए। और यहाँ पर आ जाते हैं कुछ लोग होते हैं सैमसंग गैलेक्सी A23e की कैमरा सेटअप है उसको जानने की कोशिश करेंगे, उसको भी सर्च करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A23 कैमरा, उसके बारे में आपको बताते चलते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी A23e कैमरा जो सेटअप है वहाँ पर यहाँ पर 13 MP का मेन कैमरा इसमें दिया गया है। और अगर आप यहाँ पर आप थोड़ा सा भी अगर आपके पास थोड़ा सा मोबाइल के रिलेटेड नॉलेज है तो आपको पता होना चाहिए 50 से 55 हज़ार का अगर एक मोबाइल फ़ोन की प्राइस एक्सपेक्टेड दी गई है तो उसमें कैमरा आप देखें कि 13 MP जस्ट कैमरा दिया गया है। सैमसंग गैलेक्सी A23 फ्रंट कैमरा को बताते चले 5 MP का यहाँ पर इसका फ्रंट कैमरा दिया गया है जो कि बहुत ही कम इस बजट में देखा जाए तो बहुत ही कम क्वालिटी का कैमरा दिया गया है इसके अंदर। अब आ जाते हैं यहाँ पर जो गेमिंग लवर हैं जो आज मोस्टली पबजी खेलते हैं या ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो यहाँ पर उनको बताते चले कि उनके लिए एक अच्छा साइन है, यहाँ पर जो इसका प्रोसेसर दिया गया है वो 2.4 ऑक्टा कोर का प्रोसेसर दिया गया है, स्नैपड्रैगन का इसके अंदर चिपसेट दिया गया है। यहाँ पर आ जाती है जो लोग बैटरी कॉन्शियस हैं, कुछ ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, कुछ कलर कॉन्शियस होते हैं और यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं वो बैटरी कॉन्शियस होते हैं। सैमसंग गैलेक्सी A23e की बैटरी जो है उसकी कैपेसिटी आपको बताते चले 5000 mAh की बैटरी दी गई है यहाँ पर। इसके अलावा 25 वाट का फास्ट चार्जिंग यहाँ पर दिया गया है जो आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी को जल्द से जल्द
चार्ज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 25 वाट का फास्ट चार्जिंग है वो आपके मोबाइल को जल्द से जल्द चार्ज करेगा। तो इसके अलावा यहाँ पर जो ब्लूटूथ वर्जन दिया गया उसकी ज़रूरत तो मोस्टली नहीं पड़ती, लेकिन समटाइम लोग यूज़ करते हैं। 5.0 इसमें वर्जन जो ब्लूटूथ का दिया गया है, यहाँ पर आपको बताते चले, यहाँ पर जो इसका रेजोल्यूशन है वो 720 से 1600 तक इसकी रेजोल्यूशन जो है वो दी गई है कंपनी की तरफ से। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये जो प्राइस हम आपको बता रहे हैं ये एक्सपेक्टेड प्राइस है, ये बिल्कुल भी फाइनली प्राइस नहीं है। हो सकता है इस ये जो स्पेसिफिकेशन है इस स्पेसिफिकेशन में हो सकता है इसकी प्राइस 30 से 35 मेरे ख्याल से होनी चाहिए। 35 भी इस वक्त बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये 30 के अंडर ही रहे तो ये बेस्ट फ़ोन है। अगर इसकी प्राइस आ जाती है 30 प्लस तो ये मोबाइल फोन बिल्कुल आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसकी आ जाती है प्राइस 30,000 से कम, लेस देन 30,000, तो उस वक्त ये आप मोबाइल परचेज कर सकते हैं। तो जो लोग YouTube पर सर्च कर रहे हैं बेस्ट मोबाइल फ़ोन अंडर 30,000, तो उनके लिए मैं रिकमेंड ये करूँगा अगर इसकी प्राइस अंडर 30,000 आ जाती है तो आपको ये मोबाइल फ़ोन ज़रूर परचेज करना चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।